किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के साथ ही बॉर्डर पर डटे किसानों सहित किसान नेता अब घरों की ओर लौटने लगे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे किसान भी घर लौट रहे हैं, जिन्होंने आंदोलन की सफलता की खुशी में शाहजहांपुर बॉर्डर से जयपुर तक विजयी जुलूस निकाला। बहरोड में प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील का भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव केसी घुमरिया के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर की ओर जाते समय किसान नेताओं का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी किसानों की जीत है। केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया है। आगे जो कूटने वाला कट है उसमें से वापस निजीकरण के खिलाफ जो निजीकरण नाप सुनाप किया जा रहा है उससे एसटीएससी ओबीसी नहीं जनरल समाज के गरीब लोगों की भी नौकरियों पे खतरा मंडरा रहा है। दो साल से मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ जो है संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। हम अभी 20-21 तारीख को बिरला सभागार में ऑल इंडिया का ट्राइबल सम्मेलन करवा रहे हैं, उसी में निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हो सकता है बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन निजीकरण के खिलाफ हो। इसमें आप सबका सहयोग और भागीदारी चाहिए, क्योंकि नौकरी सबकी खतरे में है और कुछ लोगों के हाथ में सारा उद्योग धंधे लेकर गरीबों की कोई परवाह नहीं जा रही है, तो उसके खिलाफ हमको निरंतर संघर्ष करना करते रहना पड़ेगा। वो 12 तारीख को कांग्रेस की रैली है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी को ही संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे पार्टी हो या जन जन हो। आप देखिए इतनी महंगाई आसमान छू रही है, 100 रूपये डीजल और पेट्रोल है तो आदमी क्या खाएगा। रसोई गैस जो 1000 रूपये हो गई है और जो है खाने पीने की चीजें सब इतनी महंगी हो गई है। हमारा जो किचन का खर्चा हर आदमी का जो डबल ट्रिपल हो गया है, तो किस तरह से हम घरगृहस्थी चला रहे हैं हम जानते हैं। और उसमें भी बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कह के ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया चमक रहा है, हम स्वाभिमानी हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो हमको भैया बातों में नहीं आना है, हमको खुद जजमेंट कर पूरे एक साल तक इस कोट भूतने से दूध सब्जी पूरा एक साल तक राधे श्याम जी की मीटिंग रखी है, इन्होंने किसानों के लिए बहुत कम शब्द बोले।